हमने कौन कौन से जिले डिस्कस किए हैं? चंबा और कांगड़ा। क्लियर है ना? चंबा और कांगड़ा से जितने क्वेश्चन आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवानी है। मेरे को बताओ चंबा का पुराना नाम? स्थापना चंबा का बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और कांगड़ा का? ठीक है। आज जो हम अगला जिला करने जा रहे हैं कौन सा है आपके पास? जिला मंडी। जिला मंडी का इतिहास आज हम डिटेल में करेंगे। तो क्वेश्चन आता है मंडी जो आपके पास रियासत है या फिर जिला मंडी है इसे प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? जब हाँ जी तो जो आपके पास जिला मंडी है एक्चुअल में ये रियासत जब स्टार्टिंग में थी सुकेत का पार्ट, ठीक है, सुकेत रियासत का पार्ट था, फिर बाद में इसको मंडी जिला बनाया गया है, ठीक है। तो इसका पुराना नाम क्या है? सुकेत। मंडी रियासत से पहले हमें कौन सी रियासत पढ़ने मिलेगी? सुकेत रियासत। तो सुकेत रियासत जैसे हम इसका विच्छेद करते हैं इसका मतलब होता है शू जमा क्षेत्र, अर्थात रहने योग्य या फिर सुंदर क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? सुकेत कहेंगे। और सुकेत का ही पार्ट क्या रहा है आपके पास? मंडी भी किसका पार्ट रहा है? सुकेत रियासत का। तो क्वेश्चन आता है आपके पास सुकेत रियासत से किस महात्मा का संबंध माना जाता है? तो सुकेत रियासत से संबंध रखते हैं सुखदेव। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है सुखदेव का संबंध किस रियासत से है? सुकेत रियासत से इनका संबंध माना जाता है। जो आपके पास सुकेत रियासत है, सुकेत रियासत के संस्थापक, यहाँ पर जो स्थापना की गई है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक जिले में एक वंश चला है, हर एक रियासत में हर एक राजाओं का वंश रहा है। जैसे चंबा में कौन से राजाओं का वंश चला था? सूर्यवंशी राजा। चंबा में कौन से राजा थे? सूर्यवंशी राजा थे। कहाँ से आए थे वो? अयोध्या से आए थे। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कांगड़ा। कांगड़ा में कौन सा वंश चला था राजाओं का? कटोच वंश। किसने की थी कांगड़ा की स्थापना? सुशर्मा ने। वो कटोच वंश को चलाते थे। और आपके पास चंबा में कौन चलाते थे? राजा मारू, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंडी या सुकेत में कौन सा वंश चला था? यहाँ पर चला था चंद्रवंशी। राजाओं का कौन सा वंश था यहाँ पर? चंद्रवंश। चंद्रवंश किसकी संतानें मारी जाती हैं? ये भगवान कृष्ण की इनको संतानें मारी जाती है। तो हम लिखेंगे जो सुकेत रियासत के संस्थापक है, जिन्होंने सुकेत की स्थापना की, उनका नाम था राजा वीरसेन। किसने की सुकेत रियासत की स्थापना? राजा वीरसेन ने यहाँ की स्थापना की थी। इनका सरनेम क्या है? सेन। सेन से याद रखना आपने, चंद्रवंशी है, ठीक है। अभी जो राजा वीरसेन है ये एक्चुअल में बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे? ये माना जाता है कि पश्चिम बंगाल से आए थे, फिर बंगाल से आए थे, ठीक है। कहां से इनका आगमन है? बंगाल से इनका आगमन माना जाता है। बंगाल से आगमन। आपने देखो होगा मंडी की शिवरात्रि में एक प्रसिद्ध पदार्थ होता है खाने के लिए, कौन सी डिश बहुत फेमस है मंडी के शिवरात्रि? लूची। सुना है आपने नाम लूची का? खाइए। तो जो सिर्फ ये जो लूची आपको मिलती है ना, ये शिवरात्रि में ही मिलती है, आपको और नहीं मिलेगी, कहीं भी मिलेगी किसी भी जिले में। और पूरे भारत में भी लूची जो है वो मिलती है कहाँ? सिर्फ बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही आपको लूची देखने को मिलती है। तो ये कहाँ मिलेगी? एक आपको शिवरात्रि के मेले में लूची मिलेगी और दूसरी बंगाल में ये मिलेगी। तो ऐसे इनको रिलेट कर रहे हैं। तो कहां से थे हमारे राजा वीर से? बंगाल से संबंध रखते थे। कौन सी वंशी से थे? चंद्रवंशी थे हमारे पास राजा वीर सिंह। जब ये एक्चुअल में आपके पास सुकेत आए थे, सुकेत की स्थापना की थी, तो यहाँ पे बहुत सारे ठाकुर और राणा रहते थे, उन सबको हराकर इन्होंने क्या किया था यहाँ पर? सेन वंश की स्थापना की थी या फिर चंद्रवंश की स्थापना की थी। तो क्लियर हो गया सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? वीर सेन ने। यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमाया जाता है सुकेत के संस्थापक अलग है और मंडी रियासत के अलग है, और मंडी के जो वास्तविक है एक आता है कि कुल्लू में रहकर किसने स्थापना की थी, और एक आता है कि मंडी में रहकर किसने स्थापना की। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो सुकेत के कौन थे संस्थापक? सुकेत का संक्षेप या फिर मीनिंग क्या होता है? सुंदर क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? सुकेत कहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा लिखेंगे आप विक्रम से। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट राजा कौन से आएंगे? विक्रम सेन।
अगले हमारे पास इंपॉर्टेंट राजा कौन से हैं, ये विक्रम सेन। जब विक्रम सेन सत्ता में बैठते हैं तो ये राजा जो थे एक्चुअली बहुत ही धार्मिक विचारों वाले थे और ये अपने शासनकाल के दौरान ही चार धाम यात्रा के लिए चले जाते हैं। कौन से राजा थे ये? चार धाम यात्रा के लिए चले जाते हैं शासन के दौरान ही, विक्रम सेन। अब जब ये यात्रा के लिए जाते हैं तो अपना राजपाट अपने भाई के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं कि जब तक मैं यात्रा कंप्लीट करूंगा आप इस राजपाट को संभालोगे। इनके भाई का नाम था त्रिविक्रम सेन। छोटे भाई का क्या नाम था? त्रिविक्रम सेन। ठीक है, त्रिविक्रम सेन राजपाट को संभालता है और जब ये यात्रा से वापस आते हैं, कौन? विक्रम सेन यात्रा करके वापस आते हैं तो त्रिविक्रम सेन अब क्या सत्ता को नहीं छोड़ना चाहता था। अब इसको था कि मैं इतना टाइम मैंने शासन किया तो मैं और कंटिन्यू करूंगा, भाई को नहीं करके दूंगा। ठीक है, और इसका सपोर्ट कर रहे थे कुंडू के राजा, जैसे समकालीन राजा होते हैं ना, तो इसका सपोर्ट कर रहे थे कि भी ठीक है क्योंकि विक्रम सेन काफी प्रतापी भी थे। अब उन्होंने कहा कि आप इस सत्ता में बैठो, आप सत्ता को चलाओ, हम फ्रेंड बन के आगे चलेंगे। तो इन दोनों के बीच में फिर एक युद्ध होता है। लिख लो, युद्ध इंपॉर्टेंट है आपके पास, विक्रम सेन वर्सेस त्रिविक्रम सेन। ये युद्ध होता है, आपका नाम जगह है, जगह का नाम है जियूरी। जियूरी नामक स्थान पर क्या होता है, इनका युद्ध होता है। इसमें त्रिविक्रम सेन के साथ कौन होते हैं सपोर्ट में? कुल्लू के राजा, और विक्रम सेन के साथ होते हैं केवंथल के राजा, केवंथल क्षेत्र के राजा। ठीक है, सपोर्ट करते हैं। और इस लड़ाई में कौन विनर रहेगा? विक्रम सेन इसमें विनर रहता है। तो लिख लो, जियूरी स्थान पे जो दो भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में? विक्रम सेन वर्सेस त्रिविक्रम सेन, विनर कौन है इसमें? विक्रम सेन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नेक्स्ट राजा है उनका नाम है लक्ष्मण सेन। अब कुल्लू के राजा भी इसमें हार जाते हैं तो कुल्लू का जो कुल्लू में किस यहाँ पे फाइट होती है ना, तो विनर कौन है हमारे पास? विक्रम सेन। तो कुल्लू के राजा भी इसमें हार जाते हैं, तो जैसे हम कुल्लू क्षेत्र में जाएंगे वहां के राजा हार जाएंगे तो यहाँ से टैक्स वसूल देते हैं। जैसे हमारे पास पहले भी आते थे ये जितने अटैकर हुए ये क्या लेते थे, बाद में कुछ कर ले रही थे ना, तो वैसे हम कुल्लू से भी कर ले रही थी। कौन सी रियासत? सुकेत रियासत कर ले रही थी। तो नेक्स्ट जो राजा वो कौन से है? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट राजा पड़ेंगे हम लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जब आपके पास सुकेत के रियासत के राजा थे तब कुल्लू के राजा थे हमीरपाल। ठीक है, हमीरपाल के बीच में युद्ध होता है जिसमें फिर से कौन जीत जाता है? लक्ष्मण सेन जीत जाता है, सुकेत रियासत जीत जाती है और ये फिर से टैक्स कंटिन्यू करते हैं आपके पास और क्षेत्र भी जीत जाते हैं। जब आप कुल्लू की हिस्ट्री में पढ़ोगे ना उसमें वजीरियां होती थी, जो आपके पास देव भी आते हैं ना शिवरात्रि के मेले में भी आते हैं, वजीर रूपी आपने सुना होगा, बहुत सारे देव हैं, सात देव है, तो सात वजीरियां हैं कुल्लू में। इस युद्ध के दौरान क्या हो गया था, उन्होंने दो वजीरियां अपने नाम कर ली थी, कौन कौन से? वजीरी रूपी, ये याद रखनी है आपने, मैं पूछूंगी सात वजीरियों में से, और लगसार। कौन कौन सी? वजीरी रूपी और लगसारी को अपने नाम कर लिया था और एक परोल। ये किसके अधीन में थी? लक्ष्मण सेन के अधीन थी ये, वजीरी रूपी, लगसारी और परोल। लक्ष्मण सेन ने जीत लिया था। फिर लक्ष्मण सेन के दो पुत्र हो जाते हैं, आगे वाली जनरेशन है, इनके दो पुत्र होते हैं। पुत्र का नाम है एक का साहू सेन और दूसरे राजा थे बाहू सेन। किसके पुत्र थे ये? लक्ष्मण सेन के पुत्र थे, इनका नाम साहू सेन था और एक का नाम बाहू सेन था। इसमें क्या हो जाता है, बाद में ये सत्ता में आ जाते हैं और दोनों भाइयों में फिर से मतभेद शुरू हो जाते हैं। तो जो साहू सेन थे वो रह जाते हैं अपनी पुरानी रियासत में। साहू से आपने याद रहना है कि साहू टिक जाता है किसमें? सुकेत रियासत में। ये किस रियासत को संभालेगा? सुकेत रियासत को। बाहू सेन जो वो छोड़ के आ जाता है कि मेरे को भाई के साथ नहीं बन रही है, तो ये चला जाता है आपके पास कुल्लू में, क्योंकि कुल्लू की कुछ विजय इन्हीं के पास थी। ठीक है, अब कुल्लू में चले जाता है ये। तो कुल्लू जाते समय जब आप भी देखोगे, जब सुंदरनगर से आप कुल्लू को जाओगे तो बीच में एक क्षेत्र आता है, किसको पास करके जाना पड़ता है आपको?
मंडी को पास करके जाना पड़ता है ना, जब सुंदरनगर से कुल्लू जाओगे तो मंडी क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब बाबू सेन जाता है कुल्लू, उसको रास्ते में दिख जाता है क्षेत्र बहुत ही प्यारा जिसका नाम रखा है करंट डेट में मंडी, ठीक है। रास्ते में कौन सा क्षेत्र पसंद आ जाता है बाबू सेन को, कौन सा क्षेत्र भाई? मंडी क्षेत्र पसंद आ जाता है बाबू सेन को। बाबू सेन जाते हैं यहां से कुल्लू, और कुल्लू की एक जगह है, जगह का नाम है मंगलौर, अभी भी है मंगलौर। कुल्लू के मंगलौर क्षेत्र में रहकर, ठीक है, कहां मंगलौर में रहकर जो बाबू सेन है वो किसकी स्थापना करते हैं? बाबू सेन किसकी स्थापना करेंगे? मंडी रियासत की। क्वेश्चन आता है वो कौन सा राजा है जिसने कुल्लू में रहकर मंडी रियासत की स्थापना की? बाबू सेन। अगर ये भी पूछा जाता है कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की, तब भी बाबू सेन ही आएगा। फिर एक्चुअल में क्वेश्चन आता है कि मंडी में रहकर मंडी की स्थापना किसने की, तो वह मंडी की हिस्ट्री में पड़ेगी। ये क्लियर हो गया ना कि साहू और बाहू में फाइट होती है, साहू सुकेत में रहते हैं, बाहू का याद भी रहेगा, तो सौ से साहू याद रखना, सौ से सुकेत। बाहू चला जाता है कुल्लू, कुल्लू की जगह कौन सी है? मुगलौर। मुगलौर में रहकर किसकी स्थापना करता है? वो मंडी रियासत की स्थापना करता है। कौन करता है धीरज? बाबू सेन। वेरी गुड, यहीं पर है ध्यान, है ना। नेक्स्ट, अब हम मंडी रियासत को यहीं पे छोड़ देंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम अभी कहां है? सुकेत रियासत में है, ठीक है। सुकेत रियासत को कौन चला रहा है अभी? साहू सेन। नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंट जो यहां से है, श्याम सेन, लिख लो श्याम सेन। तो जो श्याम सेन है वो किसके समकालीन है, लिख लो औरंगजेब के समकालीन कौन से राजा हैं? श्याम सेन। सुकेत के श्याम सेन है, ये मंडी के नहीं है, ठीक है। तो ये किसके समकालीन थे? ये थे औरंगजेब के। और औरंगजेब जब हमने कुल्लू की हिस्ट्री में पहले वाली क्लास में पढ़ा है, तो औरंगजेब का समकालीन कौन था कुल्लू से, जिसके बाद में कंफ्लिक्ट हो गए थे और फाइट हुई थी, है आपको यार? जगत सिंह। ये कहां थे आपके पास? ये दिल्ली में बैठे हुए थे और ये आपके पास कुल्लू में, जगत सिंह। श्याम सेन के समकालीन थे दिल्ली में बैठे हुए औरंगजेब, और कुल्लू में कौन से थे? जगत सिंह। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जगत सिंह, नेक्स्ट लिखेंगे आप राम सेन। नेक्स्ट आया हमारे पास राम सेन। रामसेन से क्वेश्चन आता है, रामगढ़ किले की स्थापना या निर्माण किस राजा ने करवाया था? रामगढ़ किले की स्थापना किस राजा ने करी थी? रामसेन ने। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जीत सेन। ये सुकेत के एकमात्र ऐसे राजा थे जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, एक बीमारी है ना मिर्गी, तो क्वेश्चन आता है कि सुकेत के वो कौन से राजा जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे? तो वो थे आपके पास जीत सेन। मिर्गी नामक बीमारी किस राजा को थी? जीत सेन को। और जब जीत सेन आपके पास सुकेत में बैठे हुए थे, मंडी में कौन से राजा चले हुए थे? श्याम सेन। मंडी में इनके समकालीन थे श्याम सेन। कैट याद रखने, कल जब मैं आपको मंडी रियासत कराऊंगी तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। मंडी में थे श्याम सेन और सुकेत में कौन थे? जीत सेन। अब ये जो श्याम सेन थे, आपको पता है श्याम, श्याम का मतलब क्या होता है? काला। एक्चुअल में श्याम का गलत नाम मीनिंग क्या होता है? काला। तो इनका रंग भी ऐसा ही था, डार्क कलर का था। तो जीत सेन इसे कहते थे ठिकर,
ठिकर नाथ, ये भी ठिकर से है, ठिकर नाथ किसको कहते थे, ये ठिकर नाथ की उपाधि दी थी जीत सेन ने किसको, श्याम सेन को। अब मंडी में श्याम सेन काफी फेमस रहे क्योंकि आपको पता है जो टारना में मंदिर है आपको पता है उसका एक्चुअल नाम क्या है, श्यामाकाली। क्यों है, क्योंकि श्याम सेन ने उस मंदिर की स्थापना की थी। और आपके पास बहुत सारे मंदिर है जिनके निर्माण इन्होंने किया है, श्यामाकाली और बताओ मंडी के मंदिर तो घूमे होगा आप लोगों, आपके पास श्याम सेन ने कौन से मंदिर की स्थापना की है, श्यामाकाली, जिसको हम टारना माता कहते हैं। मैक्सिमम को नाम पता नहीं तो एक्चुअल नाम है श्यामाकाली, किसने स्थापना करी है, श्याम सेन ने। श्याम सेन काफी प्रतापी राजा थे, काफी अच्छे राजा थे, कह सकते हैं अफेक्टिव राजा थे ये, और इनको जीत सेन क्या कहते थे, ठिकर नाथ की उपाधि दी थी इनको जीत सेन, इनके बीच में युद्ध भी चलते रहते हैं तब इनको कहा जाता है। उस युद्ध में भी कौन जीता था, श्याम सेन ही जीता था। तो लिख लो लोहारा युद्ध, लोहारा जगह पर एक युद्ध हुआ था इन दोनों का, लोहारा, जिसमें आपके पास विनर कौन थे, श्याम सेन, तभी तो ये चिढ़ गया था फिर, श्याम सेन विनर थे। आपके पास कौन सी जगह में युद्ध हुआ था इनका, लोहारा क्षेत्र पे इनका युद्ध हो गया था जी, हाँ इन दोनों का युद्ध हुआ था, जीत सेन और श्याम सेन का, विनर थे श्याम सेन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आपके पास गरुड़ सेन, इसी रियासत के हम इंपॉर्टेंट राजा जो पढ़ेंगे कौन से हैं, वो गरुड़ सेन। जो आपके पास सुंदर नहर सॉरी सुंदर नगर शहर की स्थापना किस राजा ने, क्वेश्चन आता है सुंदर नगर शहर की स्थापना किसने की थी, वो गरुड़ सेन ने। अब बताओ मेरे को सुंदर नगर का पुराना नाम, सुकेत मत बोलना, सुकेत नहीं, सुंदर नगर का पुराना नाम नहीं, बनेर, सुना है आपने नाम बनेर, सुंदरनगर का पुराना नाम बनेर शहर की स्थापना किसने की थी, गरुड़ सेन ने की थी। नेक्स्ट है आपके पास मंडी टू सुंदरनगर जो रोड है वो किस राजा के समय में बना हुआ है, मंडी टू सुंदरनगर रोड, तो वो क्या है, भीमसेन, मंडी ये क्या गया भीम सेन, और इनकी मृत्यु हो गई थी निमोनिया के कारण, राजा भीम सेन की मृत्यु किस वजह से मानी जाती है, निमोनिया के कारण। और सुकेत रियासत के अंतिम राजा लिख लो, सुकेत रियासत के अंतिम राजा, वो है लक्ष्मण सिंह। कौन है लक्ष्मण सेन, किसके, सुकेत रियासत के अंतिम राजा थे आपके पास लक्ष्मण सेन। मंडी की स्थापना किसने की थी, बाहू सेन ने, और मंडी रियासत के अंतिम राजा का नाम है जोगिंदर सिंह। ठीक है, कल हम मंडी रियासत को डिटेल में करेंगे, आज सुकेत कंप्लीट हो गई, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बनते हैं हमने कर लिए, कल इनसे उनको पूछूंगी मैं। ठीक है, ठिकर सेन किसे कहा जाता था, किसने कहा था, सुंदरनगर का पुराना नाम, ठीक है कल भी ये क्वेश्चन याद रह जाएंगे, नहीं पढ़ने तब रह जाएंगे यहाँ।